आज मैं आपको बिहार पुलिस का काला रूप दिखाऊंगा। बिहार पुलिस की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। ये पूरा प्रीत परिवार बिहार पुलिस से गुहार लगा रही थी 5 दिनों से कि मेरे बेटे को खोज निकालिए। अब बिहार पुलिस खोज नहीं पाई। पूरी कहानी के पूरी दास्ता क्या है आज मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। ये जो राग लगाते हैं बिहार पुलिस, देखिए कैसे काम करती है। ये मौत ये चित्र में दिखा रहा हूँ आपको, ये मृतक की माँ है, ये महिला सब्जी बेचती है, मृतक के पिता सब्जी बेचते हैं। गरीब की बेरहमी से लाश को फेंक दिया गया और आज डेड बॉडी बरामद किया गया है। पूरा मैं मामला बताने का पूरा प्रयास करूंगा कैसे क्या हुआ है। अब माँ हुई, बेटा का नाम क्या था? सूरज कुमार। उम्र क्या हो रहा था? 23 हो रहा था। क्या हुआ था कुछ दिन पहले, कहाँ चला गया था बेटा आपका? हमको बेटा बोला ना, हमको बेटा बोला ना काम कहे कि कहाँ जा रहा है बेटा, तो कि मम्मी हम आ रहे हैं 1 घंटे में कुरकुरे से रेखा देवी के घर से। कुरकुरी रेखा देवी के घर से, से। कुरकुरी पड़ता है फुलवारी शरीफ थाना में। थाना में जी हाँ, फुलवारी शरीफ हम गए। हाँ। वो कुरकुरी गए। हाँ। मेरा पति गया। पति? हाँ। ठीक है, तो मोबाइल उसका ले लिया। हाँ हाँ हाँ। ले लिया तो हम मेरा मर्दाना अकेले गया था। हाँ। फिर आया मर्दाना मेरा 10 आदमी के लेके जाने के लिए। उसके बाद रेखा देवी दुगो दरोगा के बोला के, पुलिस के गाड़ी के बोला के थाना चले गया और उल्टा हम लोग पर केस कर दिया। कौन केस किया था आपके ऊपर? रेखा देवी। अच्छा, रेखा देवी फोन कर दिया। हम लोग उसके घर पे फिर 10 आदमी गए, 20। हाँ। उसका बेटी बोली हम लोग भाई मानते थे, हम लोग ऐसा कर्म नहीं करते हैं। अच्छा ठीक। उसके बाद में हम गर्दानी थी फुलवारी थाना केस ले लिया। हाँ। केस का तब दिया। गर्दनी बाग थाना गए थे? फुलवारी थाना, दोनों थाना गए थे। आपका हाँ। घर पड़ता है गर्दनी बाग थाना में? हाँ। इनका घर पड़ता है गर्दनी बाग थाना में। ये लोग चित्तौड़ा के पास जो अम्बेडकर चौक के यहाँ के निवासी हैं, जिसको भीखा चक भी कहा जाता है, ये यहाँ पे लोग रहते हैं, इनका घर है ये। लेकिन इनका मामला दर्ज हुआ था फुलवारी शरीफ थाना में। ये गर्दनी बाग थाना में गुहार लगाए थे और फुलवारी गुहार लगाए थे कि मेरे बच्चे को खोज दीजिए। फुलवारी थाना गए, केस दाब दिया। उसके बाद में हम सुबह में गए तो कहा कि गर्दानी बग जाइए, गर्दानी बग गए तो कहा कि फुलवारी जाइए। ये देखिए बिहार पुलिस का खेल देखिए। ये जब प्रीत माँ पहुंची थी फुलवारी से थाना, तो वो कहता कि जाइए गर्दनी बाग थाना, गर्दनी बाग फुलवारी शरीफ, गर्दनी बाग फुलवारी शरीफ। इसी क्रम में इनके बेटे की मौत हो गई। ये देखिए रेखा देवी कौन है? रेखा देवी कौन है? ये देखिए माँ बेहोश हो रही है, बताने के हालात में नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा जानने का। एक सेकंड, ये आप बता सकते हैं रेखा देवी दुश्मनी क्या चल रही है आप लोगों का? नहीं चलते, हम नहीं जानते भैया। पिता का नाम क्या, लड़का पिता का नाम कहाँ, अभी कहाँ है वो? आप कौन हुए? हम लड़का के फूफा हुए। फूफा हुए हैं? हाँ। इधर आइए। लापता होने का दर्ज कब केस करवाए थे थाना में? लापता जैसे सुपर के रोज 24 घंटे सुपर के रोज लड़का हमारे यहाँ से 8 बजे 9 बजे पहुँचा कुरकुरे में। फोन करके उसको बुलाई था सब, तब ओकर अधिकार में गया सब 9 बजे। आ 9 बजे से जो लड़का हमारा लापता है, तो बिहनिया भैया हम लोग खबर मिला तो गए उसको घर पर गए तो देखे के पूरा घर धो के आप उसे पूछे, पंखा उखा भी खोले तो पूछे हम लोग तो नहीं आया है यहाँ। अच्छा मुझे ये बताइए आप डेड बॉडी कहाँ मिली? डेड बॉडी मिला कुरकुरी पच्चीस किस हालात में थी डेड बॉडी? डेड बॉडी एकदम पूरा फरे हुए है, पूरा एकदम धसाए हुए है। कपड़ा लगता सब कुछ नहीं था? कपड़ा पहने कपड़ा है, गाड़ी सब वैसी। अच्छा ये बताइए मुझे, ये जो आपका लड़का है काम क्या करता था? काम से
सब्जी बेचता था वो, सब्जी बेचता था, सब्जी बेचता था, उसकी डेड बॉडी मिली। रेखा जी से क्या दुश्मनी चल रही है? वो क्यों बुलाया आप लोगों को? आपके बेटा क्यों बुलाया? पीने के लिए, दारू पीने बुलाया था। रेखा देवी पीने के लिए बुलाई थी? पीने के लिए। रेखा देवी तो थोड़ा मेहनत हो दारू पी सकती है, कोई और लड़का भी होगा ना उसके साथ? नहीं कोई नहीं पता। हम लोग बोला क्या? अकेले 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 बुलाया है रेखा देवी? अकेले। अच्छा ये बताइए मुझे, पुलिस थाना आपके पास पहुँची है? नहीं नहीं। गर्दनी बाग थाना आई आपके पास? फुलवारी से थाना आई आपके पास? नहीं आया था, कोई नहीं आया। सूचना कब मिली है लड़का मर गया है? सूचना हमको आज कब मिला? सूचना दे दिया। कब कब कब? कल 12:00 बजे रात में? नहीं, दिन दिन में सूचना मिली। जब सूचना जब मिली थी आपको, उसके बाद क्या पुलिस आपके घर पे आई पूछताछ करने के लिए? क्या आप आज जानते हैं ये है बिहार में पुलिसिया? ये है बिहार में पुलिसिया कार्रवाई? अगर ये लोग सड़क जाम नहीं करते बॉडी नहीं मिलता, बॉडी नहीं मिलता। केस दर्ज हुआ? केस दर्ज हुआ? केस दर्ज हुआ? केस दर्ज हुआ? एफआईआर दर्ज हुआ? दर्ज हुआ है, लेकिन जिस दिन मेरा दर्ज नहीं हुआ, आप कौन हुए? वापस हुए हम उसके भाई हुए। अपना भाई है? नहीं भाई है। ठीक, केस दर्ज करवाए थे आप लोग? सब केस दर्ज करवाए थे। दर्ज करवाए थे आप वहाँ पर? मेरा भाई लापता है। लापता है? हाँ। कब करवाए थे आप? ये केस हुआ था 24 तारीख को। 24 तारीख को मेरा केस लिया गया, फिर रिटर्न कर दिया गया। हाँ। फिर 25 तारीख को केस लिया है। हाँ। फिर प्रशासन अपनी कार्रवाई की है। कार्रवाई क्या? डेड बॉडी मिला है बस, देख लीजिए। 300 पापा के नाम क्या? लड़का के पापा का नाम क्या है? अशोक राय। अशोक राय वो भी सब्जी बेचते हैं? इत्मीनान से समझाता हूँ पूरी घटनाक्रम क्या है। ये देखिए इसी एरिया के युवक हैं, ये लगातार हमको 8 दिनों से फोन कर रहे थे, भैया एक लड़का लापता हो गया है, मामला फुलवारी का है, एक्शन नहीं ले रहा है। ये लड़का मुझे बार बार फोन कर रहा था और बार बार हम समझा रहे थे कि आप बिहार प्रशासन पे विश्वास रखिए, वो खोजेगा। लेकिन देख लीजिए मैं इनको दिलासा देते रह गया और ये लड़का इस माँ को दिलासा देते रहा कि समाज से भी लोग आएंगे। कोई काम नहीं आया, कोई नहीं था, काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। इस पीड़ित परिवार को सिर्फ डेड बॉडी मिला। ये है बिहार पुलिस, डेड बॉडी मिला, ये है सच्चाई। आज भी दो दिन का टाइम मांग रहा था। ये है पुलिसिया कार्रवाई बिहार का। आप कहते हैं कि बिहार पुलिस के खिलाफ क्यों है, यही वजह है, यही सच्चाई है। अब बिहार की जनता को इसी तरह न्याय मिलती है और मैं दावा से साथ कहूंगा ये बुढ़िया माँ मर न्याय नहीं मिलेगा। जो आरोप लगा रही है ना पुलिस, कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, ये सच्चाई है दोस्तों। इस वीडियो भाड़ा मांगता हमने लोग से, भाड़ा पेट्रोल भरा कर रहे हैं पुलिस ना, कि जाए अपने बच्चा अपने से बॉडी खोजिए, हम नहीं खोजेंगे। 300 आदमी गए थे बॉडी खोजने, यहाँ से 300 आदमी कुरकुरी पहुँचे हैं डेड बॉडी खोजने, और 300 आदमी डेड बॉडी को खोजा है, फिर भी उसके बावजूद भी हम लोग को बॉडी नहीं मिला। पुलिस हम लोग से कह रहा है कि आप लोग भी पता कीजिए, बताइए हम लोग खोजेंगे जी। पुलिस हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी खोजिए। हम तमाम मीडिया बंधु से हाथ जोड़ कर अनुरोध करते हैं, इस सब्जी बेचने वाले परिवारों का दर्द दिखाइए कि ये लोग केस दर्ज करवाने जाते लापता का, गुमशुदगी का। पुलिस करती क्या है? डेड बॉडी खोज कर पहुंचाती, वो भी इन गांव वालों का, इन मोहल्ला वालों का, इन क्षेत्रवासियों के विरोध करने के बाद। ये है बिहार पुलिस देश हित। क्या बिना रोड जाम बॉडी नहीं मिलता? वीडियो को वायरल कीजिए और दिखाइए नीतीश कुमार का पुलिस कैसे काम कर रही है बिहार में। धन्यवाद आपका। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जहां है हॉलमार्क ज्वेलरी, सोने और चांदी के गहने, आपके लिए हम लाए हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ साथ आधुनिक डिजाइन के बेहतरीन आभूषण। BIS द्वारा प्रमाणित हॉलमार्क गहने होलसेल रेट में खुदरा खरीदे। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जौहरी कॉम्प्लेक्स, बाकरगंज, एक्सिस बैंक ATM के सामने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।